के शो बिला में, मैं हलीमा सादिया आपको खुश हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के को क्लिक करके हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत का आगाज हम करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडेन के सदारती इलेक्शन से निकलने की खबर से इसके अलावा इस वाक्य का भी जायजा लेंगे कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में कुछ अफगानियों ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट का झंडा क्यों उतारा इलावा ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट क्यों खत्म नहीं हो रहा बांग्लादेश के प्रोटेस्ट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ क्यों जुड़ते हैं इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे कि भारतीय जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है आखिर में अपने देश कनाडा की सियासी और समाजी हालात का भी जायजा लेंगे तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं सदर अमरीकी सदर जो बाइडन के सदारती इलेक्शन से निकलने की खबर के हवाले से तो ये खबर गोरा साहब आपको कितना चौंका देने वाली थी नहीं ये खबर चौंका देने वाली हरगज नहीं थी आ, बस ये संडे को जब खबर आई तो इस हद तक थी कि संडे को नॉर्मली ख़बरें दुनिया में कम आती हैं और मेरा ख़्याल है कि सदर बाइडन को मौका मिला आ, वो चूँकि कोविड से गुजर रहे हैं आइसोलेशन में हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि उनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है इस सदारती रेस से बाहर निकलने का उस प्रेशर को अब ख़त्म किया जाए और इस सदारती रेस से बाहर निकला जाए वैसे भी वो चूँकि इस वक्त कोविड के जेर असर हैं और एक आ, ओल्ड मैन हैं तो कोविड ने काफ़ी उनको डीमोरलाइज भी किया होगा तो इसलिए ये फैसला करने में उन्हें एक तरह से सहूलत हुई मैं ये कहूँगा कि भाई मैं अब कि मैं अब उतनी एनर्जी नहीं रखता अब मुझे निकल जाना चाहिए क्योंकि उन पर दबाव बहुत था आ, ये हम वैसे भी सुन रहे थे कि सदर बाइडन इस बात से कन्विंस हो गए थे कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वो इस रेस से बाहर निकल जाएंगे तो फिर उन्होंने सोचा कि सूनर द बेटर वाली बात है अगर मैं जितना इसको लिंगर ऑन करूँगा खींचूँगा तो उनकी पार्टी के लिए उतना ज़्यादा मसला होगा तो ये खबर चौंका देने वाली नहीं थी बड़ी एक्सपेक्टेड खबर थी जिस तरह के हालात थे और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते सुन भी लिया था कि सदर बाइडन कन्विंस हो गए हैं उनके जो क्लोज सर्कल्स हैं उन्होंने ये बताया था तो अब सदर बाइडन सदारती रेस से बाहर हो गए हैं ये भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो रिज़ाइन कर दें और अगर वो रिज़ाइन कर देते तो उस सूरत में कमला हैरिस को जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद बहुत उनको सदर बन जाना था मगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा कि मैं इस रेस से बाहर निकल रहा हूँ और साथ ही उन्होंने एक दूसरी ट्वीट भी की उसमें उन्होंने कहा कि मैं कमाला हैरिस को एंडोर्स करता हूँ नॉमिनेट करता हूँ एज़ नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्राम डेमोक्रेट पार्टी हम इसी तरफ आ रहे थे क्योंकि ये बहुत अरसे से अमेरिका में ये खुदबुद चल रही है प्रेजिडेंशल uh, एलैक्शंस के हवाले से बहुत ज़्यादा uh, एक बहस जिसे कहते हैं वो है तो अब इन तमाम हालात की सूरत में क्या वाइस प्रेजिडेंट कमाला हेरिस uh, जो हैं वो डेमोक्रेट्स की टिकट हासिल करने में इंडोर्समेंट तो अपनी जगह पर है लेकिन क्या वो टिकट हासिल करने में कामयाब हो पाएंगी देखिए अभी तक आ, उनकी इंडोर्समेंट प्रेसिडेंट बाइडेन ने की है और भी डेमोक्रेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सेनेटर कांग्रेस मैन एंड वुमेन वो कर रहे हैं मगर जो बहुत की लोग हैं जिनका इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी पे बहुत होल्ड है जैसे नलसी पिलोसी हैं या बराक ओबामा हैं या आ, मिस्टर शूमर हैं इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं एज़ ऑफ नाव जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने उनको एंडोर्स नहीं किया शायद आ, ये बहस चल रही होगी डेमोक्रेट्स के सर्कल में कि क्या सदर बाइडन के सदारती रेस से बाहर निकल जाने के बाद कमाला हैरिस इस पोजीशन में हैं कि वो आगे जीत सके जो है वो तो बैरक ओबामा की जो वाइफ हैं उनकी उनकी कैंडिडेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा वो देखिए वो वो र्यूमर्स भी थी और स्पेकुलेशंस भी थी और एक तरह से सजेशंस भी थी मगर आ, मिशल ओबामा ने आ, उसको डिनाई किया था और कहा था कि वो किसी किस्म की सदारती उम्मीदवार नहीं बनना चाहेंगी तो जब कोई सदारती उम्मीदवार ना बनना चाहे तो फिर तो जाहिर है उसका इम्कान नहीं होता लेकिन अब चुके और भी लोग हैं डेमोक्रेट्स पार्टी में जो चाहते हैं या सोचते हैं कि भाई सदर ट्रंप का मुकाबला शायद कमाला हैरस नहीं कर सकती कोई और मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए मगर ज़्यादा ये सोचते हैं कि कमाल हैरस कर सकती हैं अब देखिए पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ गम्बिट्स तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें अब कमला हैरिस के जो लोग हैं अभी चंद घंटे अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बात को कि सदर बाइडन ने जब ऐलान किया था संडे को आलमोस्ट पौने दो बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कि मैं इस से बाहर होता हूँ तो uh, अब देखने वाली बात यह है कि क्या सदर बाइडन के रेस से बाहर हो जाने के बाद आ, कमाला हैरिस को सपोर्ट मिलेगी कमाला हैरिस के जो सर्कल्स हैं वो तो 24 घंटों के अंदर अंदर ये बात फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी कमाला हैरिस ने 50 मिलियन डॉलर विद इन फ्यू आवर्स फंड रेस कर लिया है और वो बड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं तो ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्या कमाला हैरिस टिकट हासिल कर पाएंगी पार्टी की तरफ से देखिए पार्टी का जो डीएनसी यानी डेमोक्रेट्स जो कन्वेंशन हो रहा है वो 19 अगस्त से हो रहा है अभी आलमोस्ट लेस एन मंथ का टाइम है तो उस कन्वेंशन में ये फैसला होगा कि क्या ये ओपन है रेस कैंडिडेसी की क्या कमला हैरिस के ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट्स और भी आएंगे या कमला हैरिस को आ, एक तरह से चुन लिया गया है बड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं अमेरिका की जहां पे बैलेट में ऑलरेडी नाम सदर बाइडेन का जा चुका हुआ है डेमोक्रेट्स की तरफ से तो बड़ा मुश्किल होगा उन स्टेट्स में से जैसे विस्कॉन्सन है और भी कुछ रियासतें बताई जाती हैं उनमें से कैसे अब सदर बाइडन का नाम निकाला जाएगा कहने का मतलब ये है कि टाइम बहुत कम है ऑलोस्ट फिफ्टी प्लस डेज हैं जब अर्ली पोलिंग शुरू हो जानी है और इलेक्शन रियल इलेक्शन जो नवंबर के हैं उनके लिए हंड्रेड प्लस डेज अभी रहते हैं तो इतने कम अरसे में कमाला हैरिस कैसे एकदम से कैंपेन नहीं चला रजिस्टर करवाना के अंदर अपने आप को इस तब्दीली को इट नीड्स टाइम एंड इट्स मोर ऑफेड एनी टाइम के साथ साथ टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर क्या वो अपनी पार्टी को यूनाइट कर पाएंगी यानी सारे लोग उनकी पार्टी के उनके पीछे आके खड़े हो जाएंगे उनकी कैंडिडेटसी के हवाले से ये 19 अगस्त ऑनवर्ड को पता चलेगा जब डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन होगा चलिए अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि अमरीकी इलेक्शन में कौन बाजी लेकर जाता नज़र आता है रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स क्योंकि बहुत अजीब सूरत हाल है सियासी सूरत हाल जो है देखिए अमेरिका के इलेक्शन हमेशा ही बड़े सेंसटिव uh, रहे हैं मुझे uh, गुज्त मैं अगर तीस पैंतीस सालों के इलेक्शन याद करूँ तो बहुत कम इलेक्शन हैं जैसे बराक ओबामा का दूसरा री एलैक्ट होने का इलेक्शन था वो साफ नजर आ रहा था कि ये जीत जाएंगे उसमें कोई खास जिसे कहते हैं हलचल नहीं थी पहला इलेक्शन जो था बराक ओबामा का वो काफ़ी हलचल वाला इलेक्शन था मगर वो बड़ी वाज अक्सरीत से जीते थे तो मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूँ मैं अगर याद करूँ तो आ, सीनियर बुश के इलेक्शन का जमाना फिर जूनियर बुश के इलेक्शन का ज़माना सदर बराक ओबामा का पहला इलेक्शन फिर सदर ट्रम्प का आ, जो पहला इलेक्शन था जिसमें वो जीते थे फिर आ, बाइडन का इलेक्शन जिसमें वो चार साल पहले जीते थे तो ये सारे बड़े सनसनी खेज इलेक्शन रहे हैं और हर इलेक्शन से पहले ये सवाल होता था भाई कौन जीतेगा यानी इतनी ये क्लोज टाइज होती थी कि मतलब एक दो परसेंट से लीड होती थी और उस एक दो परसेंट की लीड को आ, अब वो मात देने की कोशिश करती थी दूसरी पार्टी जिसकी एक दो परसेंट लीड कम होती थी तो इलेक्शंस पिछले बहुत सारे इलेक्शंस की तरह इस बार के इलेक्शन जो 2024 नवंबर के इलेक्शन होंगे उसके हवाले से भी पूरे यकीन के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि रिपब्लिकन्स जीत पाएंगे या डेमोक्रेट्स जीत पाएंगे देखिए रिपब्लिकन्स को सपोर्ट अभी नज़र आ रही है दो से तीन परसेंट लीड ज़्यादा नज़र आ रही है जनता की मगर जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हैं अमरीका की उनमें से कुछ तो सदर ट्रंप के साथ हैं मगर ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के साथ है और जो इंटरनेशनल इको है, है तौर पर यूक्रेन की वजह से जो बना हुआ है यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इको है वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ है तो चूँकि सदर ट्रंप और उनके जो नॉमिनी वाइस प्रेजिडेंट हैं मिस्टर वेंस जे डी वेंस वो वाज तौर पर यूक्रेन की मदद के ख़िलाफ़ हैं वो कहते हैं हमें ये मसला हल करना है थ्रू बातचीत थ्रू डिप्लोमेसी अब दुनिया जो है यानी दुनिया से मेरी मुराद ये है जो यूरोपियन यूनियन है जो नेटो के कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इस बात के ख़िलाफ़ हैं तो यूरोपियन यूनियन के ये सारे बड़े के बड़े ग्लोबलिस्ट जो इदारे हैं ये खिलाफ हैं सदर ट्रंप की यूक्रेन के हवाले से पॉलिसी अब वो चाहेंगे और उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो चाहेंगे कि सदर ट्रम्प हारे और जो भी डेमोक्रेट का सदर बनना चाहे कमला हैरिस हो या कोई और अगर कोई और सामने आता है और जीतने में कामयाब होता है तो उन सब की ख्वाहिश होगी कि डेमोक्रेट्स जीतें तो जो इंटरनेशनल यो इंटरनेशनल से मेरी मुरादी है जो वेस्टर्नर इकोसिस्टम है वो तो सदर ट्रम्प के खिलाफ है मगर जनता जो है अमेरिका की वो ज्यादातर सदर ट्रम्प के हक में है मगर वो भी कोई दो तीन या चार परसेंट का फर्क होगा इस वक्त सेनेट में सेनेट अमेरिकी सेनेट की कुल सौ सीट्स हैं उनमें से रिपब्लिकन के पास फोर्टी नाइन है डेमोक्रेट्स के पास फोर्टी सेवन है और चार इंडिपेंडेंट हैं जो चार इंडिपेंडेंट हैं वो डेमोक्रेट्स का साथ देते हैं तो इसका मतलब यह कि फिफ्टी वन है डेमोक्रेट्स के पास इसी तरह जो हाउस है हाउस में कांग्रेस की है कांग्रेस की वहां पे गलबन 220 प्लस हैं रिपब्लिकन के पास और 213 के करीब हैं डेमोक्रेट्स के पास तो वहां पे रिपब्लिकन का ज्यादा जोर है हाउस में और सेनेट में डेमोक्रेट्स का है तो ये बैलेंस फिर जब इनका ज्वाइंट सेशन होता है जो भी लेजिस्लेशन अमेरिका में होनी होती तो इसमें दोनों का इनपुट होता है सेनेट में डेमोक्रेट्स का जोर है हाउस में रिपब्लिकन का जोर है तो लेजिसलेशन आसानी से नहीं हो सकती वीटो हो जाता है तो अब यह सिर्फ है कि क्या सिर्फ और सिर्फ वहां पे सदर बनने का मामला नहीं है वो तो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है कि जी कमाला हैरिस या जो भी कैंडिडेट होगा डेमोक्रेट का वो सदर बनता है या बनती है इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि सेनेट और हाउस पे किसका कब्जा होता है कौन ज्यादा सीटें ले पाता है वहां एक सीट ज्यादा ले जाने से भी पांचा पलट जाता है चलिए अब चलते हैं जर्मनी की तरफ तो अब इस वाक्य का जायजा लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में कुछ अफगानियों ने पाकिस्तान कौनसलेट का झंडा क्यों उतारा और इस वाक्य में पाकिस्तान में गुस्सा क्यों पाया जाता है जी आप ये बताइए कि इस वाक से ये लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी रेज जो है वो पाई जाती है देखिए ये वाकया रिसेंट हुआ पिछले हफ्ते हुआ कुछ ज, आ, अफगान नेशनल जो जर्मनी में रहते हैं जर्मनी में हमें याद रखना चाहिए अफगानियों की अच्छी खासी तादाद रहती है तो अफगान नेशनल जो खबरें बताती हैं वो पाकिस्तानी कौंसलेट जा रहे थे और उनका ये कहना था कि बहुत सारे अफ़ग़ान नेशनल्स के पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट्स हैं तो रीसेंट ईयर्स में हमने देखा और सुना कि पाकिस्तान बहुत सारे अफ़ग़ान नेशनल्स के शनाख्ती कार्ड भी और उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो भी रिन्यू नहीं कर रहा तो जो जर्मनी में अफगान नेशनल्स हैं जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स हैं वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के कौनसलेट जो पाकिस्तानी कौनसलेट है उसका विज़िट कर रहे थे और वो जोर दे रहे थे कि हमारे शनाख्ती कार्ड इशू किए जाएँ हमारे पासपोर्ट इशू किए जाएँ और उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऐशू नहीं किए जा रहे थे तो उनका गुस्सा था इस बात पर फिर इन्होंने पिछले हफ़्ते एक प्रोटेस्ट किया पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर और उस प्रोटेस्ट के साथ ही उन्होंने कौंसलेट के अंदर एक धावा भी किया यानी वहाँ पे छोटा सा आ, ब्रेक इन किया डोर क्रैश करके अंदर दाखिल हुए और जो पाकिस्तान का झंडा जो दुनिया के हर कौंसलेट में जहाँ जहाँ भी दुनिया के कौंसलेट होते हैं सिर्फ पाकिस्तानी कौनसलेट नहीं होते जहाँ जहाँ भी दुनिया के कौंसलेट हो उनके देशों के वहाँ पे झंडे वहाँ पे होते हैं ये एक रूटीन है तो पाकिस्तान के झंडे को उन्होंने वो उतारा और नीचे किया तो ये उनके प्रोटेस्ट का या गुस्से का एक इजहार था जिस पर अब पाकिस्तान में अब गम गुस्से का गम से ज़्यादा गुस्से का इजहार हो रहा है और मैं पाकिस्तान के जो यूट्यूब हैं उनको सुन रहा था वो आ, कह रहे थे जी कि ये देखिए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे वो वैसे आ, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के यूट्यूब के वालागर्स हैं या जो, जो कमेंटेटर्स हैं वो हमेशा से कहते हैं जी कोर्ट अनकोर्ट के जी ये अफ़गान बड़े नमक हराम निकले हमने इनको अपने अंदर जगह दी रहने की जगह दी इनको पनाह दी और अफ़गानियों का ये कहना होता है कि हम कोई अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से आपके हानि आए थे आपके देश पाकिस्तान ने हमारे मुल्क अफ़ग़ानिस्तान में हमारे लिए हालात इतने ख़राब कर दिए अपने पैसे के चक्कर में अपनी जो अमेरिकन वॉर के चक्कर में कि हमारा वहां पर रहना मुश्किल हो गया फिर आपने ही तालिबान इंस्टॉल किए अफगानियों का ये गिला होता था तो वो ये कहते हैं कि हम आपके कोई जो हैं मेहमान को खुशी से नहीं हुए थे हम जबरन आपके मेहमान बने थे तो अब आपने हमें मजबूर किया हमारे लिए ऐसे हालात पैदा किए कि हम आपके मुल्क का पासपोर्ट आपके मुल्क का शनाखती कार्ड लेने पे मजबूर हुए ये मसला तो बहुत गहरा है ना कि जिनके बच्चे पैदा हो गए जिनकी दो तीन जनरेशन वहाँ कर ये बहुत गुंजलिक सा मसला है जो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट क्यों खत्म नहीं हो रहा और बन्नू में एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर पर भी احتجاج हो रहा था जी इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए ये उससे जुड़ा हुआ कुछ लग रहा है और कुछ इंडिपेंडेंट मिसाइल के साथ भी देखिए पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसको केपी का प्रोविंस भी कहा जाता है वहाँ पे अनरेस्ट हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं ये अनरेस्ट इनफैक्ट तो जब से ये आ, वार अगेंस्ट सोवियत यूनियन बनी थी मुजाहिदीन बनाए थे पाकिस्तान और अमेरिका ने मिल के सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ तब से ये चल रहा है क्योंकि डिसप्लेसमेंट हुई लोगों की लोग बेघर हुए और लोग गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और फिर चूँकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अमरीकियों के साथ मिल के ये अफगान जहाज शुरू किया था तो फिर अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग डिसप्लेस होकर आए जैसा हमने पीछे अभी बात की आ, उनके अफगानियों के गम गुस्से के हवाले से तो ये जो है अब अनरेस्ट पाकिस्तान में आ, चल रहा है अरसे से। फिर पाकिस्तान में हमने कोई छः सात साल पहले आ, एक नई ऑर्गेनाइजेशन देखी आ, बनते हुए देखी मंजूर पश्तीन की क्यादत में जिसको पश्तून तहफ़ मूवमेंट कहा जाता है पीटीएन तो पी पहले बहुत अग्रेसिव थी फिर पी को गवर्नमेंट ने दबाया पी के और भी लीडर थे मोहसिन दावड़ अली वजीर, आप और मैं उनसे चंद बार इंग्लैंड में भी मिले डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस में वो पाकिस्तान के आ, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस भी बन गए और अच्छे क्लियर सोच के लोग हैं ये सारे के सारे अब जाहिर है ये पाकिस्तान में सब लोग अपने पश्तून इलाकों के राइट्स के लिए काम करते हैं मगर चूंकि ये पाकिस्तान की हदूद के अंदर है तो फिर पाकिस्तान आर्मी इनका क्रैक डाउन भी करती है अली वज़ीर तो एक लंबे अरसे तक एम पी होने के बावजूद जेल में भी रहे मौसन दावड़ भी खरी बातें करते हैं मंजूर पश्तीन कभी वो बेचारे हो जाते थे अंडरग्राउंड हो जाते थे फिर वो सामने आते थे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था और आर्मी ने उनको सख्त मैसेजेस भी दिए फिर इनके एक और पश्तून एक्टिविस्ट पिछले दिनों वो मारे भी गए जिसमें यहाँ पे जो कनाडा पश्तून कौंसल वालों का भी कहना है और पूरी पश्तून बरदरी का कहना है कि भई उस शख्स की हलाकत में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ का हाथ है उन्होंने उस पर तशद किया था वो मारे गए तो अब ये सारी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बन्नू में फिर जो अलग से सूरत हाल बनी जिसका आपने जिक्र किया वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग हुई एक शख्स वहाँ पर मारा गया और दो वहाँ पर दो क्या बल्कि दर्जनों जख्मी हुए और एक शख्स के मारे जाने की इतलात आई तो वहाँ पर भी अनरेस्ट है फिर बहुत हफ़्तों से प्रोटेस्ट चल रहा था चमन के बॉर्डर पर क्योंकि वही मसला शनाख्ती कार्ड का और जो अफ़गान आइडेंटिटी कार्ड है उसका भी मसला था क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ महीनों से पाबंदी लगा दी हुई है कि अब हम अफगान लोगों की आमदोरफ़्त जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अब हम नहीं होने देंगे जब तक आपके पास आइडेंटिटी कार्ड्स ना हो क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि पाकिस्तानी तालिबान भी उन पर हमले कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी तालिबान हमले कर रहे हैं उनके पीछे अफगान तालिबान भी हैं तो ये सिचुएशन अब खैबर पख्तूनख्वा के ना सिर्फ अंदर खैबर पख्तूनख्वा के आर पार यानी अफगानिस्तान के एरिया में भी और पाकिस्तान के एरिया दोनों दो दो तरफ ये इतना ज़्यादा अनरेस्ट है क्योंकि फैमिली जो हैं बटी हुई हैं कुछ उधर रहते हैं लोग कुछ इधर रहते हैं बॉर्डर है, के जो मसाइल होते हैं बॉर्डर के मसाइल के अलावा वैसे भी ये बॉर्डर हमेशा ऐसा रहा है कि इसकी जो लाइन है इसको कभी भी पश्तूनों ने तस्लीम ही नहीं किया पाकिस्तान बनने से उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया उन्होंने कहा था कि ये आपने लाइन एक गलत लाइन खींची है हम मानते ही नहीं हैं ये हमारा ही इलाका है तो ये मसाइल पाकिस्तान के बनने से ही चले आ रहे हैं और अब जब ये पाकिस्तान के बनने से ये जो बॉर्डर लाइन के चलने के मसाइल थे वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए जब यह अफ़ान जहाद का ड्रामा हुआ या जब ये इन्होंने प्रोजेक्ट लिया चूँकि पाकिस्तान को सूट करता था पैसा मिलता था इसके हवाले से सोवियत यूनियन को हराना था फिर ये वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई फिर उसके बाद पाकिस्तान का ये कहना जी हम खुद दहशत गर्दी के एक तरह से शिकार हैं और अब पाकिस्तान के अंदर ये जो अनरेस्ट है ये मैं नहीं समझता कि जल्दी ख़त्म होने वाला है इस पे आप पाकिस्तान के व्लागर जो मर्ज़ी कहते फिर मैं एक बार यहाँ पे ए, कहना चाहूँगा देखिए इनको बड़ा ये अफसोस है कि जी ये झंडा हमारा क्यों फ्रैंकफर्ट में आ, नीचे गिराया गया अब पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में मैं हमेशा से अमरीकी झंडे लोग जला रहे होते हैं इसराइल के झंडे जला रहे होते हैं इंडिया के झंडे ले जला रहे होते हैं इवन हमने कुछ सालों के दौरान अफगानिस्तान के झंडे जलते देखे तो जब ये पूरी दुनिया के झंडे जलाते हैं ये टीएलपी वालों ने फ्रांस के झंडे जलाए तो जब ये पूरी दुनिया के झंडे वहां पे जलाते हैं तो फिर जब इनके झंडे की कोर्ट अनकोट कोई बेहरमती करता है तो फिर ये क्यों इतना चीखते हैं इनको सोचना चाहिए कि भाई ये पूरी दुनिया के झंडे पाकिस्तान में जला रहे होते हैं और उनकी पामाली कर रहे होते हैं और उनका एक झंडा अगर किसी ने उतार दिया आप गुस्से में आके तो जरा फिर उसको बर्दाश्त करें ना पॉलिटिकल एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल होने चाहिए दरअसल Uh, कि आपने किस हद तक uh, जाना है और तभी आप अपना राइट भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि किसी का राइट आपकी ऑब्लिगेशन आपका राइट किसी की ऑब्लिगेशन इसके तहत इस वक्त दुनिया जो है वो एक्शन रिएक्शन के तहत चल रही है चलिए जी पाकिस्तान का अन अनरेस्ट uh, जो है वो मौजूदा सियासी हालात के साथ ये उसी से रिलेटेड सवाल कि ये मौजूदा सियासी हालात से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान में डिजिटल दहशत गर्दी बढ़ रही है देखिए डिजिटल टेररिज्म ये अब पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की एक नई सूरत आ, डिफाइन की जा रही है और पाकिस्तान के आई एस पी आर के जो स्पोक्स पर्सन है जनरल अहमद शरीफ ने ये बात अभी वेरी रिसेंटली कहा उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल दहशत गर्दी है ये दूसरी जो दहशतगर्दी उससे कम नहीं है अब तो दहशत गर्दी की इतनी डेफिनेशन सामने आ गई है कि जो असल दहशत गर्दी थी वो लगता है कहीं पसे पुष चली गई ग़ायब हो गई है अब चूँकि इनकी मुराद डिजीटल दहशतगर्दी से ये है कि पाकिस्तान आर्मी को सबसे ज़्यादा खतरा सोशल मीडिया पे इनके ख़िलाफ़ प्रापिगेंडे के हवाले से है तो ये इनको ये सबसे बड़ा ख़तरा है कि भाई डिजिट के डिजिटीटल दहशतगर्दी हमें अब टारगेट कर रही है वो उनको टारगेट कर रही है ये मैं इसको डिजिटल दहशतगर्दी नहीं कहूँगा मैं इसको ये कहूँगा बड़ी सिंपल सी बात यह है कि सोशल मीडिया इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस्तेमाल कौन कर रहे हैं वो इमरान खान की पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इसाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उनके अपने ही बनाए हुए थे और जिस डिजिटल दहशत या ऑनलाइन दहशतगर्दी की ये बात करते हैं ये खुद पाकिस्तान आर्मी ने डिज़ाइन की थी एक वक्त में तहरीकानसाफ के हक में अब पाकिस्तान में दहशत गर्द जो असल वाले दहशत गर्द हैं वो भी इन्होंने बनाए अफगान जहाज से ले कर वॉर ऑन टेर तक और, और आज कल आज कल भी बना रहे हैं कश्मीर में टेर्रजम भी कर रहे हैं तो ये जो टेररिज्म वाले असल वाले दहशतगर्द हैं वो भी इनके बनाए हुए हैं और जिनको आज ये डिजिटल टेररिस्ट कह रहे हैं वो भी इनके बनाए हुए हैं तो जो जो दहशतगर्द ये बनाते हैं वो उनके ही गले आन पड़ते हैं इसीलिए अमेरिका की इम्पॉर्टेंट इं, पॉलिटिशन ने सालों पहले कहा था हेलरी क्लिंटन ने कि पाकिस्तान सांप अपने बैकयार्ड में पालता है और उसके बाद यह तो करता है कि ये सांप उसको नहीं डसेंगे ये ने कहा था उनकी बहुत मशहूर स्टेटमेंट है तो अब चाहे ये डिजिटल दहशतगर्द कहें जिनको ये भी इनके पाले हुए हैं और जो असल वाले दहशतगर्द होते हैं वो भी इनके पाले हुए हैं और वो अब दोनों तरह के जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं इनके लिए दहशत फैला रहे हैं तो अब ये इसको एंजॉय करें सारी सूरत हाल चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ बांग्लादेश में जॉब कोटा के सिलसिले में मुल्क प्रोटेस्ट सामने आ रहे हैं जिनमें सौ से ज्यादा लोगों की हिलात की इतलात मिली है ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? जी आप बताइए इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए सबसे पहले मैं इस हिस्से का जवाब देता हूँ कि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ कैसे जुड़े हो बंगलादेश में जॉब्स का जो कोटा है वो जब से बांग्लादेश बना है वो अच्छा खासा कोटा उन लोगों के लिए रहा जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जदोजहद की अब जाहिर है बांग्लादेश की जो आज़ादी की जदोजहद थी वो पाकिस्तान से आज़ादी लेने की जदोजहद थी तो बांग्लादेश की सरकारें शुरू दिन से ये कह रही हैं जब से बांग्लादेश है उन्होंने कोटा रखा हुआ है कि भाई जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने में हिस्सा लिया था उन लोगों को भी और उनकी फैमिलीज़ को भी उनके बच्चों को भी मेरा ख्याल थर्टी प्लस परसेंटेज था कोटा अच्छा खासा कोटा था वो उन्होंने कहा जी कि हम उनको देंगे अब जाहिर है बांग्लादेश बनने के वक्त बांग्लादेश की ऐसी फोर्सेस भी थी जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती थी जो फोर्सेज पाकिस्तान के साथ रहना चाहती थी जो बंगाली रहना चाहते थे उनको बांग्लादेश में रजाकार का नाम दिया जाता है यानी वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए लोग थे और उनको बांग्लादेश में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता उनके बारे में बांग्लादेश में मजमूतासर ये है कि ये गद्दार हैं अब जो नई पौध बांग्लादेश में आई है देखिए बांग्लादेश को बने हुए अब 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं नाइनटीन से आज 2024 में देखिए तो 53 थ्री ईयर्स हो गए हैं अब 53 थ्री ईयर्स में दो तीन नई नस्लें आ चुकी हैं अब जो यंग बच्चे हैं अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जो जिन्होंने आज़ादी बांग्लादेश में हिस्सा लिया था उनके खानदानों को 30 प्लस परसेंटेज का जॉब कोटा मिल रहा है तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि बेरोज़गारी नौजवानों में बढ़ रही है अगरचे बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर उनकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है उनका जो टेक्सटाइल का जो शोबा है वो दुनिया में सबसे वाइब्रेंट शोबा है यानी वो चीन से भी आगे निकल गए हैं अपनी टेक्सटाइल में खुद पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल ऑनर्स ने पाकिस्तान में चूँकि बिजनेस के और इंडस्ट्रीज के हालात अच्छे नहीं उन्होंने बांग्लादेश में जाके टेक्सटाइल मिल्स कायम की हुई है तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की इकॉनमी तो बड़ी अच्छी है पाँच छः परसेंट का ग्रोथ रेट है सब कुछ ठीक है हम दुनिया में हमारे पास सरप्लस भी है सब कुछ है लेकिन ये क्या बात हुई कि जी हमें जॉब कोटा जो है वो हमें निशाना बनाएगा तो अब वो इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए मगर बदकिस्मती से इन प्रोटेस्ट में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अब लोग ये कह रहे हैं क्योंकि बंग्लादेश की सरकार ने जो हम सुन रहे हैं मीडिया की खबरों के हवाले से बांग्लादेश की सरकार ने दो रोज़ पहले ऐलान कर दिया कि हम आपके तमाम मुतालबा तस्लीम करते हैं हम जो वो आज़ादी दिलाने वाले खानदान थे उनका जो जॉब कोटा है वो थर्टी फाइव परसेंट से कम कर रहे हैं पता नहीं उन्होंने बहुत कम कर दिया अब आपको रेगुलर बुनियादों पर यानी वो ये लोगों को कह रहे हैं रेगुलर बुनियादों पर जॉब्स मिलेंगी मगर अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे 110 लोग मारे जा चुके हैं प्रोटेस्ट हाँ यहाँ पे मैं यही सवाल आपसे अगला करने वाली थी कि क्या अब मुतालबाद मान लेने के बाद ये मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे या ये क्या सूरत हाल है दे, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इन मुतालबात के जो क्या मान लिए गए हैं अपरेंटली अब उस पर इम्पलीमेंट कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या मसाइल हल हो जाएंगे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे प्रोटेस्ट कम हो गए हैं अभी भी चल रहे हैं और बांग्लादेश के हवाले से हमें यह भी जेन में रखना है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बहुत है अभी जो पिछले इलेक्शन हुए थे अभी चंद महीने पहले बांग्लादेश में उसमें अपोजिशन ने हिस्सा ही नहीं लिया था और उन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शन का ये बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है बहुत बड़ा चैलेंज चैलेंज इसकी वजह यह है कि जब सारी पोलिटिकल पार्टियाँ एक्टिव ना हूँ किसी भी देश के अंदर तो फिर अनरेस्ट होता है अच्छा फिर ज़ाहिर है ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे और हमें यह भी याद रखना होगा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री है जब बांग्लादेश पाकिस्तान कैसा हुआ करता था तब 1952 में गालबन ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान आर्मी ने गोली चलाई थी ये कहते हुए जी कि यहाँ पे बंगाली जबान नहीं लागू होगी यहाँ पे हम उर्दू को लागू करेंगे उन्होंने अपनी जुबान के हक हाँ के लिए वो इकट्ठे हुए उन्होंने कहा नहीं हम अपनी माँ बोली अपनी बंगाली जबान के लिए लड़ेंगे और तब से बंगाली लड़ रहे हैं जो भी आ, एक तरह से मैं तो कॉलोनियल या जो डिक्टोरियल फोर्सेस हो तो देखिए बांग्लादेश में ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये चलेगा क्योंकि इसके पीछे आ, उनके अपने जो पोलिटिकल सरकमस्टांसिस हैं वो भी हैं फिर वहाँ के हालात भी हैं अब एक सौ दस से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इन प्रोटेस्ट में जो लोग मर गए हैं उनके लौकिन उनकी फैमिलीज़ कैसे वो चैन से बैठेंगे और उनके ग्रीवियंस तो हमेशा रहेंगे ख़ास तौर पर ये जो सरकार है शेख हसीना की तो इसके ख़िलाफ़ तो ग्रीवियंस रहेंगे शेख हसीना के ख़िलाफ़ बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं तो बांग्लादेश को ये चैलेंजेस रहेंगे आ, अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या बांग्लादेश जिस तरह उन्होंने ये मुतालबात उसकी सरकार ने माने हैं क्या आगे जाके पॉलिटिकल अनरेस्ट को कम करने में कामयाब होती है Stability या स्टेबिलिटी कुछ बेहतर हो करने में कामयाब होते हैं या नहीं चलिए अब जम्मू कश्मीर एज यूजल उसकी तरफ आते हैं भारतीय जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी क्यों बढ़ गई है क्या इसमें फिर पाकिस्तान का किरदार है देखिए पाकिस्तान का इसमें किरदार बिल्कुल हो सकता है और काफ़ी चांस है काफ़ी इम्कान है भारत की हुकूमत का भी यही कहना है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस जम्मू कश्मीर में करने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा से है कि वो वहाँ पे इनफिल्ट्रेटर्स भेजते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर के टेरर स्लीपर सेल्स हैं या जो अब जागे हुए टेर्रज़म के सेल्स हैं आ, उन सब की मदद करते हैं इसमें कोई डकी छुपी बात नहीं पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि पाकिस्तान का इसमें कोई ना किरदार होता है पाकिस्तान इसको अगर डिनाई भी करना चाहे तो वो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है और फिर खुद साबित हो जाता है कि पाकिस्तान तो आज भी कह रहा है जी कि हम जाएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा हम कश्मीर को फतेह करके रहेंगे तो ये तो पॉइंट पौ, पौ, ऑफ व्यू पाकिस्तान का आज भी ख़त्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो अपनी इस पॉलिसी पर आज भी कायम है कि भाई हम करेंगे इसमें अब भारत का ये कहना है कि बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स जो अभी रीसेंट हफ्तों में गए हैं और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी टेररिज्म बढ़ी है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सौ के एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये पाकिस्तान बैक्ट है और इनको असला भी पाकिस्तान से मिला इनकी फिनानसिंग भी पाकिस्तान से होती है अब पाकिस्तान अपने मसाइल की वजह से सीज़ फायर पर कायम है जो आ, दो हज़ार उन्नीस के बाद अब तक चल रही है जिसमें जाहिर है पाकिस्तान के अपने अंदर हालात इतने ख़तरनाक हैं टी एल पी भी उनको ललकारती रहती है फिर पाकिस्तानी हुकूमत टी एल पी के साथ बैठते हैं जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिर पाकिस्तान आर्मी उनको ओन करती है लेकिन जो टी टी पी वाले हैं उनके साथ पाकिस्तान की हुकूमत बैठना चाहती है मगर वो पाकिस्तान को नहीं मानते वो हमले करते रहते हैं आए दिन पाकिस्तान के पाँच छः लोग वो मार देते हैं तो पाकिस्तान उस तरफ बहुत परेशान है फिर अफगान मुजाहिदीन जो उन्होंने बनाए थे अब वो अफगान तालिबान की सूरत में है। वो भी पाकिस्तान को चैलेंज करते रहते हैं तो पाकिस्तान फिर कश्मीर में जो कार्रवाइयाँ रिसेंट हफ्तों में कर रहा है जैसा कि इंडियन हुकूमत का कहना है वो कार्रवाइयाँ पोलिटिकल डिस्ट्रैक्शन के लिए भी हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स बहुत वॉलेटाइल बनी हुई है फिर दूसरा चूंकि पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान का ऑक्योपाइड जम्मू कश्मीर है उसके अंदर चूंकि अनरेस्ट चलता रहता है तो उसको फिर काउंटर करने की पाकिस्तान आर्मी कोशिश करती है तो ये काफ़ी जिसे कहते हैं हॉट है, है बॉर्डर इस वक्त दोबारा से अगरचे सीज़ फायर है और इस बॉर्डर के हॉट होने की वजह से आ, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान और भारत के बीच तल्लक के नॉर्मलाइज होने का इम्कान खत्म हो गया है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जो कि हमेशा से हमेशा तक है चलिए अब आते हैं होमलैंड की तरफ यानी कनाडा की तरफ तो अमरीका में सियासी तब्दीलियों के साथ साथ क्या आप आने वाले दिनों में कनाडा में भी सियासत में कुछ तब्दीलियां देखते हैं इस पे जरा थोड़ा सा शर्ट कीजिए लाइट देखिए सदर बाइडन के रेस से निकल जाने के बाद आ, मैं आज ही देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की ट्वीट क्योंकि उनके भी वैसे हालात हैं जो सदर बाइडन के आए फर्क ये है कि सदर बाइडन जो हैं बल्कि काफी बड़ा फर्क है सदर बाइडन वीक हो गए थे फिजिकली भी पोलिटिकली भी और जस्टिन uh, ट्रूडो इस वक्त पोलिटिकली वीक है फिजिकली तो वीक नहीं है यंग आदमी है फिर uh, जो रिपब्लिकन यानी जो कंजरवेटिव पार्टी है अमेरिका में वो बहुत स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग कंजरवेटिव पार्टी यहाँ पे है अपरेंडली है पॉलिटिकली है जो कैनेडा की कंजरवेटिव पार्टी है मगर अपनी आइडियोलॉजी में उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग रिपब्लिकन पार्टी तो इसलिए ठीक है सदर बाइडन के सदारती रेस के निकल जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जो ट्वीट दिया उसमें कहा है कि मेरा बेहतरीन दोस्त सदर बाइडन निकल गया है मेरा वो आ, मेरा बहुत अच्छा तल्लक रहा मैं शुक्रगुजार हूं कि उनकी वजह से हमारे कनाडा और अमेरिका के बहुत अच्छे तल्लक आते फ्रैंकली सदर आ, ट्रंप जब सदर थे अमरीका के तब भी टूडो प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है वो सदर ट्रम्प का स्टाइल ऐसा था कि वो जरा नोक जोक चलती रहती थी पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ उनकी चलती रहती थी तो टूडो के साथ भी उनकी भी कुछ नोक जोक चली मगर तलकत तो अमरीका और कैनेडा के अच्छे ही रहे असल बात तो यह है कि दोनों हुकूमतों के ब्यूरोसी के यहाँ की दोनों मुल्कों की इकानमी के वो हालात ही आ, मैटर करते हैं वो अच्छे ही रहे लेकिन बहरहाल सदर बाइडन के साथ ट्रूडो के तल्लक स्पेशल थे इसलिए कि सदर बाइडन और ट्रूडो की आइडियोलॉजी भी काफ़ी मिलती जुलती थी अब वो अभी भी सदर हैं उन्होंने कहा कि मंदा छः महीने तक सदर रहूँगा जब तक मेरा उदा है तो तल्लक तो अच्छे रहेंगे लेकिन अब कैनेडा में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी अमेरिका में भी मैं देखता हूं कि सिर्फ चेहरे की तब्दीली है वरना जो पॉलिटिकल मैच है वो तो दोनों पार्टियों का है कोई और पार्टी तो वहाँ है नहीं अब कनाडा में जो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लेकिन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लिबरल्स और कंजर्वेटिव तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई तब्दीली आएगी कनाडा में क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो फिज़िकली बड़े फिट हैं और बड़े होशियार सियासतदान हैं और वो चाहेंगे कि वो आखिरी वक्त तक अपने कार्ड्स प्ले करें और वो करेंगे और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हम कैनेडा के हवाले से बात करते हैं कि इट इज़ टू सोन टू एनीथिंग कि जी कंजर्वेटिव जीत जाएंगे अगला इलेक्शन एक साल से ज्यादा का वक्त है टू बहुत ही एक कनिंग और शरूट पॉलिटिशन है वो जब इलेक्शन का वक्त करीब आएगा उस वक्त कुछ से कुछ कर सकते हैं चलिए आज के इन बिला तकल्फ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया हम आने वाले वक्त में नाजीन गुफ्तगु करते रहेंगे तबसरे आपके लिए लाते रहेंगे आज का बिला तकल्फ़ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियान पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.